Hello students, in this lecture we will discuss parthenogenesis. Parthenogenesis is a type of asexual reproduction and it occurs naturally as well as artificially. Parthenogenesis discovered by Charles Bonnet in aphid. What is parthenogenesis? Development of egg into young one without fertilization is known as parthenogenesis. पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस में फीमेल गैमेट एग सेल डायरेक्टली डेवलप हो जाता है इनटू द यंग वन में. क्लियर? इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या हम? पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस दो तरह का होता है, दैट इज एरेनोटॉकी, जिसको हम हैप्लोडिप्लॉयडी बोलते हैं. हैप्लोडिप्लॉयडी कहां पे होता है? हनी बी के केस में. देखिए, हनी बी के केस में तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं. मेल, जिसको हम ड्रोन बोलते हैं, विच इज हैप्लॉयड. क्वीन, फीमेल, दैट इज क्वीन डिप्लॉयड. एंड वर्कर, आल्सो द डिप्लॉयड. मेल दैट इज ड्रोन विच इज हैप्लॉयड डेवलप्स फ्रॉम हैप्लॉयड अनफर्टिलाइज्ड एग. मेल जो है हनी बी के केस में, मेल हैप्लॉयड अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होता है. क्लियर? यहां पे क्या हो रहा है? ओगोनिया. ओगोनिया मतलब क्या? एग मदर सेल. ये कैसा है? डिप्लॉयड है. और ये किसमें गया? मियोसिस में, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन. और इसके रिजल्टेंट क्या प्रोड्यूस हुआ? हैप्लॉयड एग सेल प्रोड्यूस हुआ. और ये हैप्लॉयड एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलप होगा किसमें? हैप्लॉयड मेल ऑर्गेनिज्म में, दैट इज द ड्रोन. सो दिस इज पार्थिनोजेनेसिस इन मेल हनीबी. सेकेंड केस, फीमेल दैट इज द क्वीन एंड वर्कर्स डेवलप्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग. दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस. सी हियर, स्पर्मेटोगोनिया मींस स्पर्म मदर सेल. क्लियर? फ्रॉम द मेल. एंड इट इज व्हाट? इट इज ऑलरेडी हैप्लॉयड. क्लियर? इफ एनी सेल इज ऑलरेडी हैप्लॉयड, it always undergo the process of mitosis to produce the haploid gamete, that is the sperm. So yahan pe kya ho raha hai? Spermatogonia from the male kya hai? Already haploid hai, isliye ye kisme ja raha hai? Mitosis mein ja raha hai. Aur kya produce kar raha hai? Haploid male gamete sperm produce kar raha hai. Clear? Jab ye haploid male gamete sperm हैप्लॉयड फीमेल गैमेट ओवम से फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा? जायगोट, डिप्लॉयड जायगोट. और ये डिप्लॉयड जायगोट डेवलप होकर के क्या बनाएगा? यंग वन. क्लियर? इफ दैट यंग वन इज सर्व्ड बाय द रॉयल जेली. क्लियर? कन्वर्ट इनटू द क्वीन, अदरवाइज कन्वर्ट इनटू द वर्कर. सो हियर वी कैन सी पार्थिनोजेनेसिस इन केस ऑफ हनी बी मेल, बिकॉज मेल इज हैप्लॉयड एंड इट इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द हैप्लॉयड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन. क्लियर? इन केस ऑफ हनी बी, क्वीन एंड वर्कर्स आर डिप्लॉयड. मेल दैट इज द ड्रोन इज हैप्लॉयड. सेकेंड टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इज द थेरीटोकी आर डिप्लॉयडी. हियर एग्जाम्पल एफिड एंड डेफनिया. वॉट हैपन हियर? यंग वन डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड अनफर्टिलाइज एग. देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जो यंग वन है वो डिप्लॉयड अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हो रहा है. क्लियर? यहां पे जो है कि फर्स्ट केस देखते हैं, दिस इज द ओगोनिया एग मदर सेल फ्रॉम द फीमेल साइड विच इज डिप्लॉयड एंड इट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. बट यहां पे क्या हुआ? मियोसिस फेल हो गया, रिडक्शनल डिविजन फेल हो गया, जिसके रिजल्टेंट क्या हुआ? डिप्लॉयड एग सेल का फॉर्मेशन हुआ. क्लियर? और ये डिप्लॉयड एग सेल फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन यंग वन में डेवलप कर गया. क्लियर? विच इज ऑल्सो डिप्लॉयड. क्लियर? सो इन केस ऑफ थेलीटोकी द डिप्लॉयड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस द डिप्लॉयड यंग वन. सेकेंड केस, फ्यूजन ऑफ पोलर बॉडी दैट इज हैप्लॉयड विथ हैप्लॉयड एग. इसमें क्या होता है? ओगोनिया विच इज द डिप्लॉयड सेल फ्रॉम द फीमेल साइड
undergo the meiosis, and meiosis is successful. When meiosis is successful, haploid XL is produced, also the haploid polar body produced. Clear? When this haploid XL fuse with the haploid polar body, form the diploid young one. So this is the process of what? This is the process of thalidocy, that is the diploidy. So in this way, parthenogenesis takes place in case of aphid, daphnia and honeybee. Clear?